अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको सॉल्व करते हैं। 6 जो क्वेश्चन है इसके पहले पार्ट में लिखा हुआ है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बिस्किट्स प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एज मैनी क्रीम वंस एज चॉकलेट वंस। एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है और उसका हिसाब किताब ये है कि इट प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एज मैनी क्रीम वंस एज चॉकलेट वंस, यानी कि अगर वो क्रीम के 3 बिस्किट बनाती है ना, तो चॉकलेट का 1 बिस्किट बनाती है, यानी कि हर 4 बिस्किट्स में से 3 क्रीम वाले होते हैं और 1 चॉकलेट वाला होता है। बिस्किट्स आर चूजन रेंडमली एंड पैक्ड इनटू बॉक्सेस ऑफ 10। रेंडमली एक बंदा बिस्किट्स को उठाता है और 10-10 के बॉक्स में पैक कर देता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ क्रीम बिस्किट्स एंड चॉकलेट बिस्किट्स। अच्छा, अब कोई बंदा अगर रेंडमली कोई बिस्किट उठाएगा तो उसके क्रीम बिस्किट उठाने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी या 0.75 होगी, और उसके चॉकलेट बिस्किट उठाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी या 0.25 होगी। अब सवाल मुझसे ये पूछता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई बंदा 10-10 के बॉक्सेस बना रहा है, उसमें बिस्किट्स रख रहा है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इक्वल नंबर ऑफ क्रीम एंड चॉकलेट बिस्किट्स उस बॉक्स में होंगे। यानी कि अगर मैं 10 बिस्किट्स की बात करूं तो 10 में से मिसाल के तौर पर 5 बिस्किट्स क्रीम वाले हों, क्रीम वाले बिस्किट होने की प्रोबेबिलिटी 5/5, और 5 बिस्किट्स चॉकलेट वाले हों, चॉकलेट वाले बिस्किट्स होने की प्रोबेबिलिटी 5/5, ठीक है ना। 10 में से 5 बिस्किट्स क्रीम वाले हो और बाकी 5 चॉकलेट वाले हों, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 10C5 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 की पावर 5, ये आपके पास आ जाता है 0.058, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया 0.058। ये क्या किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, किसी भी एक डब्बे में जिसमें 10-10 बिस्किट्स होते हैं उसमें से 5 चॉकलेट और 5 क्रीम बिस्किट्स हों, इसकी प्रोबेबिलिटी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों अप्लाई किया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए अप्लाई किया क्योंकि एक काम हो रहा था 10 बार, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस रेशियो में बिस्किट्स बनकर आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, हर 4 में से 3 बिस्किट्स क्रीम वाले होंगे, हर 4 में से 1 बिस्किट चॉकलेट वाला होगा, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। 10 बार एक काम हो रहा, पहली बार क्या उठाया उसका दूसरी बार से कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। वेरिएबल डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है, ये सारी चीज़ें लाइव क्लासेस में भी आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करी जाएंगी। अच्छा, सेकेंड पार्ट में बोलता है अ रेंडम सैंपल ऑफ 8 बॉक्सेस इज टेकन। अब बात को ज़रा समझना, पहले वो बोलता था कि मैं बिस्किट पिक करता हूँ, बॉक्स में डालता हूँ, बॉक्स में डल गए। अब वो बिस्किट की बात नहीं करता, अब वो बॉक्स की बात करता है। वो बोलता है 8 बॉक्सेस आर, अ रेंडम सैंपल ऑफ 8 बॉक्सेस इज टेकन, यानी कि उसने 8 बॉक्सेस पिक किए, उसने 8 बॉक्सेस पिक किए, अ रेंडम सैंपल ऑफ 8 बॉक्सेस इज टेकन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम क्या, ऑफ बॉक्सेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ क्रीम बिस्किट्स एंड चॉकलेट बिस्किट्स। वो बोलता है कि 8 बॉक्सेस मैंने रेंडमली पिक किए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि उसमें से ठीक एक बॉक्स ऐसा हो कि जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रीम और इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट बिस्किट्स हो, ठीक है। अच्छा, किसी भी बॉक्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रीम और चॉकलेट बिस्किट्स होने की प्रोबेबिलिटी पिछले पार्ट में कैलकुलेट करी वो 0.058 है, तो इक्वल नंबर ऑफ बिस्किट्स ना होने की प्रोबेबिलिटी 1-0.058 यानी कि 0.942 है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं मैंने 8 बॉक्सेस पिक किए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें से एक बॉक्स 8C1 ऐसा हो कि जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रीम बिस्किट्स हो, तो इक्वल नंबर ऑफ क्रीम बिस्किट्स होने की प्रोबेबिलिटी 1, इक्वल नंबर ऑफ क्रीम बिस्किट्स ना होने की प्रोबेबिलिटी पावर 7। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 8C1 × 0.058 × 0.942 की पावर 7 याद आता है आपका 0.305 तकरीबन, ठीक है जनाब।
चलो अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल सेवन, अ बॉक्स कंटेन्स 10 पेन्स ऑफ एच 3 आर न्यू, 10 में से 3 नई है 7 पुरानी है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 2 पेन्स इज टेकन, 2 पेन्स पिक करी। शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 न्यू पेन इन द सैंपल इज 7/15। इसका मतलब ये हो गया कि आपने 10 में से 2 पेन्स पिक करी हैं, 10 सी 2 नीचे आ गया, और उसमें से एग्जैक्टली एक पेन नहीं हो तो दूसरी क्या होगी, पुरानी। 7C1 पुरानी 7 है उसमें से एक, और 3C1 नई 3 है उसमें से एक। तो 7C1 इंटू 3C1 डिवाइडेड बाई 10C2 ये आपका आ जाता है 0.4666 या 7/15 आंसर। इसके बाद है कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द नंबर ऑफ न्यू पेन्स इन द सैंपल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ नई पेन्स का इस सैंपल में। अब नई पेन्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या बन सकता है, भाई जब मैं पेन्स पिक करूंगा तो 10 में से 2 पेन्स पिक करनी है ना, और टोटल 3 नई पेन्स हैं। ऐसा हो सकता है कि एक भी नई पेन ना हो, ऐसा हो सकता है कि एक हो, ऐसा हो सकता है दो हो, ऐसा हो सकता है कि तीनों हो, और इनकी प्रोबेबिलिटी साथ में लिखनी है। एक भी नई पेन ना हो उसके लिए क्या, 7C2 ठीक है ना, अच्छा सॉरी 2 पेन्स पिक कर रहा हूँ ना, 2 तक जाएंगे। 7 में से 2 की 2 पेन्स पुरानी वाली हो इंटू 3C0 डिवाइडेड बाई 10C2, ये पहली चीज हो गई 7C2 डिवाइडेड बाई 10C2 आता है 7/15। दूसरा ये हो सकता है कि जब मैं 10 में से 2 पेन्स पिक करूं, एक पेन नहीं हो एक पेन पुरानी हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर चुके हैं 7/15। तीसरा ये हो सकता है कि मैं जब 10 में से 2 पेन्स पिक करूं तो दोनों पेन्स न्यू पेन्स हो, उसके लिए क्या होगा, 3C2 डिवाइडेड बाई 10C2 1/15। सही, यह हमारा पार्ट वन भी हो गया, पार्ट टू भी हो गया। पार्ट थ्री में बोलता है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ न्यू पेन्स इन द सैंपल, एक्सपेक्टेड नंबर बताओ। तो 0/7/15 प्लस 1/7/15 प्लस 2/1/15 क्या आ जाता है भाई, क्या जाता है आपका 3/5 ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलो जी यहाँ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मज़ीद चीज़ें अगले वीडियो में।